क्या लग रहा है कौन सी पार्टी बेहतर है? कांग्रेस का ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ का ये बच्चा भी है और फिर पहले से भी काम करता चला आ रहा है और झाड़ू वाले जैसे कोई ज्यादा कोई खास काम करा नहीं ओखले क्षेत्र के अंदर। ये कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका चल रहा है और शुएब दानिश जो है जमीन से जुड़े हुए नेता है, लोकल नेता है, बाकी जितने भी आ रहे हैं सब बाहर से आ रहे हैं। ये लोग शुएब दानिश के बहुत बड़ी है, जमीन से जुड़े हुए हैं, यहीं के लोकल है और बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा दिल से जाते आते हैं, गरीब के हक में रहती है। आप बताइए आपको कौन सी पार्टी पसंद है? कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्यों कांग्रेस पार्टी से बहुत फायदा है, गरीब आदमी के हक में है। नहीं, शुरू से ही हम कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी से बहुत फायदे हैं। आप बताइए आपको कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस कांग्रेस पार्टी। तुम्हें क्या पसंद है? कांग्रेस। क्यों? बस दिल है, अच्छा लगता है। कौन सी पार्टी पसंद है? कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जो है अलग ही लेवल पर काम करती है अपने। और यहाँ किसको देंगे? शुएब दानिश को देंगे, कांग्रेस को देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है शुएब दानिश तो खड़े नहीं हुए। नहीं, शुएब दानिश की वाइफ खड़ी हुई है नाजिया, लेकिन उनके बिहाफ पर मेन तो वही है शुएब दानिश, लेकिन वोट जो देंगे हम कांग्रेस को ही देंगे। आपको क्या लग रहा है इस इलाके की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए कौन सा उम्मीदवार अच्छा है? शुएब दानिश। नाजिया दानिश, शुएब दानिश। इंशाल्लाह उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को वोट करेंगे, उनको ही लाएंगे। काम करने वाले पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं, वो लोग पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं, काम को सलाम हैगा। पहले ये वार्ड दूसरे वाले शाहीन बाग वाले वार्ड में आता था, अब जो है जाकिर नगर वार्ड में आता है। यहाँ के इलाके के लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के, और दानिश भाई 15 सालों से काम करते आ रहे हैं, तभी तो 15 साल से काउंसिलर हैं और इंशाल्लाह चौथी बार भी काउंसिलर ही बनेंगे। आप बताइए आपको कौन सी पार्टी पसंद है? देखिए, बात पार्टी की नहीं है, बात इंसान की है, बात इंसानियत की है, बात प्यार और मोहब्बत की है, बात खुलूस की है। वो पिछले 15 सालों से लोगों के दिलों के ऊपर राज करता है, जिसका नाम शुएब दानिश है। शुएब दानिश कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार 3 बार रह चुका है, अब उसकी मिसिज जो है वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसकी मिसिज भी उसी जोश और खरोश के साथ लोगों का प्यार और मोहब्बत उसको मिल रही है जिस तरीके से शुएब दानिश है। शुएब काफ़ी लोगों का ये कहना है, थोड़ा सा इधर हो जाए, थोड़ा सा इधर, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि MCD में काम अच्छा नहीं हुआ, गलियों में पानी भरा हुआ था, गटर जमे हुए थे, चोरियां हुई। नहीं नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, MCD के ऊपर पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, उसके बावजूद भी शुएब दानिश से जितना हो सकता है, जितना बजट हो सकता है, भी शायद एरिया में नहीं होगा, लेकिन शुएब दानिश का काफ़ी हद तक काम। आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ और जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उसका एहसान का बदला नहीं उतार सकता, जो मुझसे खिदमत होगी मैं वो करूँगा और करता आया हूँ। इससे पहले की जो कंट्रोवर्सीज हैं, गली मोहल्लों में गंदगी, कूड़े के ढेर और बहुत सारे इशूज, कोई आप 4 जगह कूड़े के दिखा दीजिए मुझे, मेरी गली में पड़े हुए आप चैनल वाले ना, आप दिखा दीजिए, मैं जाकिर नगर कूड़े के ढेर दिखा हाउस कूड़े का ढेर दिखा दीजिए। मैं आखिर में वो देखिए, प्राइवेट लैंड को हम नहीं छू सकते, प्राइवेट प्लॉट डिस्प्यूट प्लॉट को हम नहीं उठवा सकते। हमने इस्लाम मस्जिद के पीछे कूड़ा पड़ा हुआ 100 ट्रक कूड़ा हमने उठवाया मस्जिद की वजह से, इमाम साहब ने हमसे कहा, हमने उठवा दिया, लेकिन हम जो है प्राइवेट लैंड को नहीं उठवा सकते, उसमें डिस्प्यूट है जहाँ जहाँ पड़ा हुआ है। बाकी हमें जहाँ कहेंगे हम काम करेंगे, हमारे यहाँ एक ढला हुए हम 12 बजे के बाद रात को 4 बजे तक खुद उठवाते हैं। आप अच्छी खबर देखिए, कूड़े के ढेर देखने आपको, आप देखिए 8 नंबर पर जाकर वहाँ ढलाव दिखाइए, उन्हें आपने खुद देखे होंगे आपके लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी के साथ में कंपैरिजन जो चल रहा है उस पर कुछ कहेंगे? नहीं, उसमें क्या है, आम आदमी पार्टी की बात ही खत्म हो गई, कोई बात ही नहीं है उससे आगे, वो एक कौन सी पार्टी है उसका खड़ा हुआ वो जीतेगा वहाँ। देखिए बाकी कुछ व्यवस्था यहाँ बाजार को लेकर के बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। देखिए, सबसे पहले मैं ओखला के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये डिवाइडर है, मैं सबसे पहले इसके ऊपर काम करूंगा, बाजार की मार्केट की बिल्कुल वो खत्म हो गया है। मेरा सबसे पहले टारगेट यही है, पूरा आना जाना हमारी रिश्तेदारी बिरादरी अजीम डेरी बटला हो ओखला गाँव
बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, पूरा ओखला परेशान है, पूरा आवाम परेशान है, बजला हाउस के लोग परेशान है। मैं यहाँ, मेरी एक प्लानिंग है, मैं यहाँ रेड लाइट का एक इंतजाम करूंगा, उसमें हम ट्रैफिक से परमिशन, जामिया से परमिशन, जब तक फिजिबिलिटी नहीं बनेगी, गोल राउंड नहीं बनेगा, रेड लाइट नहीं बनेगी, जब तक यहाँ का समाधान नहीं हो सकता। मैं आज इन्हें दिखाने के लिए, मैंने दिखाने के लिए क्रेन ला के हटा दूँ, वो समाधान नहीं है, वो भी मैं जानता हूँ। वो जो कर रहे हैं ना, मैं नकली राजनीति नहीं करता, मैं असली ज़मीन की, सड़क की राजनीति करता हूँ। मैं ये इसको सही तरीके से, लीगल तरीके से इसको मैं करवाऊंगा। महिला सीट आरक्षित हो जाने की वजह से क्या किसी तरह की कोई दुश्वारी है? और ज्यादा अच्छा हो गया, महिलाओं को भी मिलनी चाहिए सीट और महिला शक्ति को आगे आना चाहिए, सबको। मोहल्ला क्लिनिक, महिला मोहल्ला क्लिनिक जो यहाँ बनवाया गया, ये किस, बिल्कुल नहीं, ये पहले डिस्पेंसरी के नाम से था, ये तो बहुत सालों से चला आ रहा था, जहाँ आप खड़ी हैं इसी के बराबर में ही, यहाँ दिल्ली जब शीला जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी उस जमाने के अंदर, यहाँ वो पहले डिस्पेंसरी के नाम से चला करता था, अब उसका नाम उन्होंने बदल दिया है। बस आसिम मोहम्मद के साथ जो किया है वो ठीक नहीं किया है, एक बच्ची वहाँ इलेक्शन लड़ रही है, उसके साथ जो बदतमीजी रात इन्होंने की, आम आदमी पार्टी का दबाव, बीजेपी का दबाव, ये एक अच्छी बात नहीं है। ऐसे लेके गए आसिम मोहम्मद खान को जैसे कोई टेररिस्ट को लेके जाते हैं, हम उनकी सपोर्ट में रात के 3 बजे, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, एक जिम्मेदार आदमी के साथ ऐसा किया है उन्होंने, हमें ये बहुत निंदनीय है, भाई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बड़ा अफसोस है पूरी आवाम को हमारे इलाके की, और ऐसे बर्ताव किया जैसे एक उग्रवादी के साथ किया जाता है। दो बार कौंसलर, दो बार MLA रह चुके हैं आसिम मोहम्मद खान, वो अपने आप में खुद एक शख्सियत है, वो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ता है, हिम्मत वाला है, हौसले वाला है। गली मोहल्ले की सड़कें और बाकी गटर जमाव, उसको लेकर के हमेशा विवाद रहे। यहाँ पर सीवर सिस्टम खराब है, मैंने बहुत सारे, मैंने बहुत प्रोजेक्ट किए हैं, मैं यहाँ जल बोर्ड के लिए और सीवेज प्लांट के लिए, ट्रीटमेंट प्लांट, पंप हाउस 2013 में मैंने वो जगह कराई है संदीप दीक्षित के साथ में मिलकर, और मेरे वो लेटर भी रखे हैं, संदीप दीक्षित को मैं बुलाऊंगा, आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी कोई सीन नहीं है इलाके के लिए। देखिए, जो काम पहले होना चाहिए था, हमने DDA से जगह लेकर ट्रीटमेंट प्लांट को पंप हाउस के लिए धोबी घाट के ऊपर दिए 2013 के अंदर, 2011 में हमने काम शुरू किया, 2013 में हमने ज़मीन हैंडओवर कर दी दिल्ली सरकार को। अगर यहाँ शीला जी रहती, संदीप जी रहते, तो सीवेज समस्या खत्म हो जाती। सारे ये हमने मेट्रो हमने ला कर, इसमें पूरी तरह से BJP की कोई साजिश है कि इलाके को अलग थलग रखा जाए? एक मिनट, इसमें BJP की कोई नहीं, इसमें तो आम आदमी और BJP एक ही तो है ना, दोनों MCD जो है वो सीधा डील कर रही है। अरे साहब, मैं अपनी ओखला की बात कर रहा हूँ, ओखला के अंदर कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, 450 करोड़ रुपए शीला जी ने दिया, कहाँ दिए, कहाँ गए? कोई आप डेवलपमेंट देखिए, जाकिनार बटला उसकी सड़क देखिए ना जाकर, क्या RTI गई उसके ऊपर? RTI है तो रिजल्ट नहीं आया उसका, कोई रिजल्ट ये है कि ये काम जो है फ्लड कंट्रोल का है नॉर्थ कॉलोनी में, RTI ने जवाब दिया, आप जाकर देख लीजिए, 8-8 महीने साल भर से सड़कें टूटी पड़ी हैं, मरादी रोड 1 साल में काम हुआ था, दुकानदार किराए की अपनी खाली करके चले गए, पिछले 2 साल पहले वो सड़क बनी है, हर गली एक एक साल में बनती है, लोगों ने तोड़वाना बंद कर दिया अपनी गली। बाजार का जो फुटकर है, इसके लिए कोई समिति यहाँ बनवाई है क्या? नहीं, हम उसको प्रॉपर तरीके से ये ग्रिल हटाएंगे, हम बीच में लाइट का इंतजाम करेंगे, सारी खंबे हटवा के बहुत प्लानिंग से काम करेंगे। थोड़ा सा ये कुछ चौड़ाई बढ़ सकती है? चौड़ाई तो नहीं बढ़ सकती, फुटपाथ हटेगी, 2 फीट भी अगर बढ़ जाता है, फुटपाथ हटने से हमें हमारी आसानी हल हो जाएगी, हम इसको सही तरीके से काम करेंगे इसके इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद। अच्छा, कुछ रीडेवलपमेंट यहाँ के इलाके में जो पुराने घर बने हुए हैं इसे तोड़ करके कोई प्लान है आगे ऐसा कुछ बनने का, कोई खबर है इससे जुड़ी आपके पास? हमने तो मेट्रो में कोई घर नहीं टूटने दिया, और जिसका मकान गया उसको इतना मुआवजा मिला कि वो फ्रेंड्स कॉलोनी में घर खरीद ले, एक घर गया पूरी विधानसभा में एक घर में जरा सा नुकसान हुआ, उन्हें इतना मुआवजा मिला है, उनका खास मोहम्मद अली शेर को मिला है। अच्छा, ये VVPAT पे जो पर्ची है, जो पर्ची का सिस्टम किया गया उसमें की वो दी जाएगी पर्ची वोटर्स को, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी, क्या इलेक्शन कमीशन हो या ED का चेयरमैन हो या CBI का चेयरमैन हो, ये तमाम वही लोग हैं जो गुजरात से जिनका ताल्लुक है, और सरकार उन्हें बुला बुला के यहाँ पर काम पे लगा रही है और अपने मतलब के डिसीजन ले रही है।
के अंदर जो है मुस्लिम माइनॉरिटी, खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी सख्त नाराज है। कोरोना काल के अंदर जिस तरह से उन्होंने निजामुद्दीन मरकज को निशाना बनाया और तबलीगी जमात के लोगों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, उनके खिलाफ FIR करी। वैसे तो केजरीवाल कहते हैं कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब कोई मुसलमानों के खिलाफ हथकंडा अपनाना होता है उन्हें, तो वो गवर्नर को अप्रोच करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात करते हैं। इन हालात में मैं समझता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर नगर निगम के इलेक्शन में मुसलमान माइनॉरिटी केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। दिल्ली का मुसलमान मरकज के मामले को लेकर इतना संजीदा है कि वो किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जो सरकार हमारी शरई जमातों को, इस्लामिक जमातों को निशाना बनाएगी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, दिल्ली का मुसलमान और देश का मुसलमान ऐसी पार्टियों को नकारता है और हम ऐसे लीडरों को नापसंद करते हैं। और इसका जवाब हम उन्हें दिल्ली की जनता, खास तौर पर माइनॉरिटी मुसलमान नगर निगम के इलेक्शन में उनके खिलाफ वोटिंग करके ये जमात का बदला लिया जाएगा। मई में होने वाले इलेक्शन को स्थगित कर दिया गया था अनिश्चितकाल के लिए। एक बार यहाँ पर इलेक्शन की घोषणा होने के बाद में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वोटर्स अपने उम्मीदवार को लेकर के काफी सजग है और कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी अपनी सद्भावना और प्यार यह दिखाई दे रहा है। बाकी व्यवस्था की जहाँ तक बात रही तो भावी उम्मीदवार और उनके परिवार से जुड़े सदस्य जो इससे पहले 3 बार विजय उम्मीदवार रहे हैं शोएब दानिश, उनकी तरफ से बहुत सारे वादे किए गए हैं, लेकिन देखना ये होगा ये वादे धरातल पर भविष्य में कितने सजग साबित होंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम मोहल्लों में मोहब्बत मिल रही है, क्या कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है, क्या कहेंगे आप? मोहब्बत कहाँ मिल रही है, मोहब्बत नफरत की मोहब्बत मिल रही है। आज तक नफरत के बीज बोए हैं BJP और कांग्रेस ने, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो मरकज पे जो हंगामा किया उससे क्या मुसलमान वोट दे देंगे? क्या चाहते हैं, आपको कौन सी पार्टी पसंद है? हमारा जो कैंडिडेट 15 साल से जो उम्मीदवार के तौर पर शोएब दानिश लड़ते आ रहे हैं और इंशाल्लाह चौथी बार भी कांग्रेस को जीत हासिल करके देंगे। लेकिन कहा तो ये जाता है कि इससे पहले के टर्म में काफी गटर जाम की, पानी की, गंदे पानी की व्यवस्था यहाँ इलाके में जल भराव रहा है, यहाँ की सड़कें साफ सुथरी नहीं रही है, यहाँ पर उम्मीदवार को ढूंढने जाओ उसके बाद वो मिलते नहीं है। तो आप लोग सपोर्टर से समर्थक है वो बात है, लेकिन जनता के बीच में जो समस्या वो भी देखिए। हम जो है सपोर्टर, पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हम जो है हालात के सपोर्टर हैं, हम हालात के सपोर्टर हैं। हमें ये लगता है कि शोएब दानिश जो 15 साल से यहाँ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस बार उनकी बीवी को टिकट मिला है लेडीज सीट होने की वजह से, हम समझते हैं कि वो हर समस्या का समाधान जनता की करते हैं, करते आए हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें टाइम लगता है, उसकी वजह से लोगों को कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन जिस उम्मीद के साथ हमने आम आदमी को समर्थन दिया था, आम आदमी पार्टी को, वो भी हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि हमारी मजहबी जमातों को जिस तरह उन्होंने निशाना बनाया है उसके बाद हम आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकारते हैं। और दिल्ली का मुसलमान एक बार फिर कांग्रेस की तरफ देख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का भी असर है और जो काम कांग्रेस ने दिल्ली के लिए करे हैं वो काम आज तक दिल्ली की जनता के लिए किसी और पार्टी ने ना किए हैं ना किसी और सरकार ने किए हैं। जब जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो दिल्ली के लोग हों चाहे वो देश के लोग हों, उनके अंदर खुशहाली आती है, तरक्की आती है, मोहब्बत आता है, प्यार होता है और एकता होती है। और कोई भी पार्टी आती है, जब जब दूसरी पार्टियों के राज आते हैं तो देश के अंदर बिखराव होता है, नफरत की राजनीति होती है, आपस में जो मोहब्बत और भाईचारा होता है उसमें बिगाड़ पैदा होता है।